क्या आप अपनी बच्चे की आवाज सुनने का वेट कर रहे हैं? क्या आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि आपका बच्चा कब आपको मम्मी और पापा कहकर बुलाएगा? अगर हाँ, तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। आज की सीरीज में हम बात करेंगे अपने बच्चे की स्पीच पर कैसे काम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू संयम। आप लोगों का हमारे वीडियोस को लगातार पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ अगर ये वीडियोस आप शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कम से कम एक ऐसे इंसान को आज ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक पेरेंट की तरह हमारा भी एक सपना था कि संयम हमें मम्मी पापा कहकर बुलाए, बोलना शुरू करें। लेकिन वो अभी 2 साल का हो चुका था और उसकी स्पीच नहीं आई थी, और इससे ज्यादा चिंता की बात हमारे लिए और कोई नहीं थी। हम चाहते थे जल्दी से जल्दी संयम की स्पीच किसी तरीके से आ जाए, बट उसके लिए ऐसी 2 फिजिकल कंडीशंस थी जिनको हमें रूल आउट करना पहले जरूरी था। पहली फिजिकल कंडीशन थी हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि अगर बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, वो सुन नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसके बोलने पे भी इम्पैक्ट होगा। उसे रूल आउट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक टेस्ट कराया जो कि बेरा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बेरा टेस्ट में फॉर्चुनेटली व्हाट केम आउट वाज कि संयम का हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि बेरा टेस्ट कराने के बाद कि बच्चे में हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो सबसे पहले उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट बच्चा सुन पाए, सुनकर आवाज़ों को, शब्दों को समझ पाए, और तभी उसकी स्पीच पे आप इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जो दूसरी मेडिकल फिजिकल कंडीशन थी जिसे रूल आउट करना ज़रूरी था, वो था टंग टाई। कभी कभी कुछ बच्चों की टंग नीचे की तरफ से थोड़ी सी जुड़ी हुई होती है, टंग टाई नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे की टंग स्टिफ हो जाती है और उसे बोलने में बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में टंग टाई का इशू हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। जब ये दोनों फिजिकल कंडीशंस को आपने रूल आउट कर लिया, अब आप बच्चे की स्पीच की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली स्पीच थेरेपी शुरू की जाए। स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं, लेवल्स हैं जिन्हें अचीव करना, जिन्हें अटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा स्पीच थेरेपी सेशंस के दौरान अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और उसे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। हम इस वीडियो के दौरान संयम की स्पीच जर्नी को स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसमें कवर करनी होगी। हो सकता है कि हम एक वीडियो के अंदर इसको कवर ना कर पाए, इसलिए हम इस टॉपिक को वीडियोस की एक सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले आप जानते हैं कि कौन से माइलस्टोन्स, कौन से लेवल्स हैं जो कि प्री स्पीच हम लोगों ने कवर करने हैं ताकि स्पीच थेरेपी को इफेक्टिव बनाया जा सके। ये फिजिकल चीजें रूल आउट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम करना। हमारे बच्चे अक्सर हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ये कंडीशन सिर्फ ऑटिज्म में ही नहीं, ADHD, एस्पर्जर्स, काफी रिलेटेड कंडीशंस में भी पाई जाती है। मगर सबसे पहले अगर हाइपर एक्टिविटी पर हम काम नहीं करेंगे तो बच्चा इधर उधर भागता रहेगा, सिटिंग बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, और आपको कॉपी करके वो स्पीच या कोई और एक्टिविटी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है पहले बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम करना। हाइपर एक्टिविटी पर काम करने के लिए डाइट मॉडिफिकेशन, हाइड्रोथेरेपी और कुछ मसाजेस हमने डिटेल में एक और वीडियो में बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका हम ऊपर डाल रहे हैं, आप प्लीज वो वीडियो कंप्लीट देखिए और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम करना शुरू कर दीजिए। उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस आप वहां से भी एक्वायर कर सकते हैं ये चीजें, ताकि आप जल्दी से जल्दी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी सप्रेस कर। सो जो नेक्स्ट प्री स्पीच रिक्वायरमेंट है वो है सिटिंग बिहेवियर। सिटिंग बिहेवियर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो एक जगह पे टिक के बच्चा बैठ के सीखेगा नहीं, आपको देखकर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तब तक वो चीजें सीख नहीं पाएगा।
चाहे वो स्पीच हो चाहे कोई और एक्टिविटी हो। सिटिंग बिहेवियर एंश्योर करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप एक कंफर्टेबल प्रॉपर प्लेस बच्चे के लिए बनाए बैठने के लिए। अगर एक कमरा अवेलेबल नहीं है तो एक कॉर्नर आप बच्चे के लिए अरेंज कर सकते हैं। वहां पे उसके साइज का टेबल और चेयर होना चाहिए जहां पे बच्चा बैठ के एक्टिविटीज कर सके आपके साथ। कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो कि डिस्ट्रैक्टिंग हो, जैसे लाउड कलर्स, साउंड, नॉइजेस, ये सारी चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। एक सूदिंग कंफर्टेबल प्लेस होगा तो बच्चा बहुत आराम से बैठ के आपके साथ एक्टिविटीज कर पाएगा। अब जब बच्चे का सिटिंग प्लेस सेट हो गया है, एक प्रॉपर जगह उसको मिल गई है बैठ के प्रैक्टिस करने की, तो अब आपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटीज कैन बी सिंपल एक्टिविटीज जैसे मैचिंग करा दी, सॉर्टिंग करा दी, क्ले से एक्टिविटीज करा दी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज को आपने फन वे में कराना है, मजेदार तरीके से आपने उन एक्टिविटीज को कराना है। हमने फाइन मोटर स्किल्स की कुछ बहुत मजेदार एक्टिविटीज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर वो एक्टिविटीज सीख के भी अपने बच्चे के साथ करा सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बच्चा ऑडियो विजुअल लर्नर है, मतलब वो चीजों को वीडियो की फॉर्म में देखकर बहुत अच्छे से सीख रहा है, इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप थिंग्स अराउंड अस वाला जो हमारा मॉड्यूल है लर्निंग टू लाइफ पे, या फिर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल बच्चे के लेवल से उसके हिसाब से उस समय ठीक है, आप उस पे भी बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। लर्निंग टू लाइफ मॉड्यूल्स पे जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो आप ये इंश्योर करेंगे कि उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही है, वो चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, ताकि जब स्पीच आए उसके पास बोलने के लिए शब्द हो, बोलने के लिए कॉन्सेप्ट्स हो। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे इन एक्टिविटीज को बच्चा करता है, इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ उसका सिटिंग टाइम भी इंप्रूव होता रहेगा। आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि आप बच्चे को रोजाना एक निश्चित समय पे, एक सेट टाइम पर ही एक्टिविटीज कराने के लिए उस जगह पर बिठाएं। उससे बच्चे का एक स्केड्यूल तैयार होना शुरू हो जाएगा और उसे पता होगा कि अब मेरा एक्टिविटीज का टाइम है। ये भी जरूरी है कि आप उस टाइम को एक स्टॉपवॉच या फिर एक घड़ी के जरिए नोट करें। हफ्ते दर हफ्ते वो समय बढ़ना चाहिए धीरे धीरे करके। उसका सेटिंग टाइम अगर शुरुआत में एक मिनट का है तो घबराए नहीं, प्रैक्टिस करें उसके साथ। हो सकता है कि एक हफ्ता, दो हफ्ता लगे उस एक मिनट के टाइम को चार मिनट, पांच मिनट तक पहुंचाने में। यहां कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली काम करने की जरूरत है बच्चे के साथ। नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। बच्चे का आई कॉन्टैक्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा आपके फेस की तरफ, आपकी आईज की तरफ देख ही नहीं पाएगा, तो आपके लिप्स को रीड करना, आपके जेस्चर समझना, आपका एक्सप्रेशन समझना, वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का आई कॉन्टैक्ट डेवलप करना। हाउ टू डेवलप आई कॉन्टैक्ट, इस पर हमने एक वीडियो डिटेल में बताया हुआ है, जिसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो आप बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं, बहुत ही फन वे में उसका आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। सईम के साथ काम करते हुए हमने कुछ टॉयज और ऐसे गेम्स थे जिससे आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसको अवेल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आई कॉन्टैक्ट का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी आपको नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो डिटेल में भी देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी पड़ेगी ताकि बच्चे की स्पीच पे आप काम कर सकें, वो है बच्चे के जेस्चर्स को, उसके एक्सप्रेशंस को समझना, कम करना होगा धीरे धीरे। क्योंकि आप माने या ना माने, आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट तो कर रहा है। अगर उसे प्यास लगती है, उसे भूख लगती है, उसे टॉयलेट जाना है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शंस, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस तो ऐसे बनाता होगा जिसको देख के आपको पता लग जाता है कि ये भूखा है, और आप उसके बिना बोले ही उसकी वो डिमांड कंप्लीट कर देते हैं। आप ध्यान से समझें तो बच्चे को इस समय बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सप्रेस करके, वो सिर्फ वो जेस्चर्स करके, टेंट्रम्स करके आपसे अपने मन की बात, उसको जो भी चाहिए वो करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बोलना शुरू करे, उसे बोलने की नीड महसूस हो, तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और बच्चे के जो जेस्चर्स हैं, जो सिग्नल्स हैं जो वो आपको अभी नॉन वर्बल तरीके से दे रहा है, उसको समझते हुए भी इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से मत कीजिएगा इग्नोर, धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी कम कीजिएगा, तब जाके बच्चे को महसूस होगा कि अब मुझे ये करने से तो एटलीस्ट वो चीजें नहीं मिल रही, अब मुझे और क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक और एक्टिविटी करेंगे, वो है रोल प्ले एक्टिविटी, जिसमें आप फादर और मदर साथ बैठ सकते हैं, कोई भी और दो बड़े लोग साथ में बैठ सकते हैं। अगर मुझे पानी चाहिए
तो मैं राखी के पास, हम दोनों इस तरीके से बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ बच्चा सामने हमें देख रहा है और मैं मुझे प्यास लगी है तो मैं बोलूंगा पानी पानी पानी, और जब मैं दो तीन बार पानी बोलूंगा तो राखी मुझे पानी दे देंगे। बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे एक ऑल्टरनेट वे मिलेगा कि हाँ सिर्फ रोने से ही नहीं, मैं अगर ये पा पा अगर इतना भी बोलता है बच्चा तो हमारा पर्पस अचीव्ड है, तो उसको पानी मिल जाएगा। सो ये जरूर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इमिटेशन, यानी कॉपी करना। यूजुअली न्यूरोटिपिकल बच्चों में कॉपीइंग बहुत आसानी से अपने आप आ जाता है, लेकिन हमारे बच्चों में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा उनके इमिटेशन को डेवलप करने के लिए। इमिटेशन यानी कॉपी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी चीज को सीखने और समझने के लिए। इसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट साउंड्स के साथ और डिफरेंट एक्शंस के साथ बच्चे को कॉपी करना सिखा सकते हैं। डोंट मेक इट अ वेरी हैवी एक्सरसाइज, इसको बहुत लाइट और फन एक्सरसाइजेस की तरह करना है आपने। डू सम क्रेजी स्टफ जिससे जो बच्चे का अटेंशन ग्रैब करे और बच्चा उसको कॉपी करने में बहुत इंटरेस्टेड फील हो। एक बार इमिटेशन या कॉपिंग डेवलप होगा तो बच्चा आपको देखने और आपको कॉपी करने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। और अब स्पीच थेरेपिस्ट या आप बच्चे के साथ जब स्पीच पर काम करेंगे तो बच्चा आपको, क्योंकि वो कॉपी करना सीख चुका है तो आपको कॉपी करेगा और बहुत जल्दी स्पीच डेवलप होने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कुछ डेमोंस्ट्रेशन इमिटेशन कैसे डेवलप करना है उसके लिए। हाय, तो अब हम सीखते हैं कि इमिटेशन कैसे सिखानी है आपने बच्चे को। तो हमारे साथ अंश है, अंश हमारी मदद करेंगे इमिटेशन के डेमो को क्लियर करने में। सो अंश से हेलो टू एवरीबॉडी। हाय। जस्ट टू इंट्रोड्यूस अंश, अंश संयम का छोटा भाई है। ऑलराइट, सो अभी हम कुछ चीजों को लेकर इमिटेशन सीखेंगे। इमिटेशन यानी कि आपको कॉपी करना जब बच्चा सीखता है तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी सीख सकता है और कुछ एक्शंस के साथ भी सीख सकता है। तो मैं कुछ एक्शंस करूंगा या ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करूंगा और साथ साथ में अंश भी उन ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो पहले हम एक्शंस के साथ करते हैं। तो आप कोई भी क्रेजी सिंपल एक्शंस कर सकते हैं जिससे कि बच्चा बच्चे का इंटरेस्ट आप ग्रैब कर पाए और वो आपको कॉपी करे। फॉर एग्जांपल एक एक्शन हम कर सकते हैं ये, अंशु आप करो, वेरी गुड। और वी कैन डू लाइक दिस, और वी कैन डू लाइक दिस, और वी कैन डू क्लैपिंग, और वी कैन डू क्लैप 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 क्लैप। सो इस तरीके के एक्शंस को यूज करके आप इमिटेशन बच्चे को सिखा सकते हैं। अंश ने बहुत जल्दी से कर लिया, बट हमारे बच्चों का नॉर्मली जो ब्रेन होता है वो न्यूरोडाइवर्स होता है, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना करें, दूसरे में भी ना करें, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। आपको अटेंशन ग्रैब करनी है बच्चे की, और अटेंशन ग्रैब करने के बाद आपको ये एक्टिविटीज इमिटेशन की बच्चे को सिखानी है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं हम, अगर एक्शंस के साथ नहीं करें तो और कैसे इमिटेशन करवा सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे दो ग्लासेस है, एक ग्लास मेरे पास है, एक ग्लास मैंने अंश के पास रख दिया, एंड आई हैव टू स्पून्स, एक स्पून मैंने यहाँ रख दी, एक स्पून यहाँ रख दी। आप नॉर्मली ग्लास और स्पून पहले बच्चे के पास नहीं रखेंगे, वरना वो उसको अगर हाइपर एक्टिव है तो उसको फेंकना शुरू कर देगा। तो पहले आप एक्शन करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लास लिया और चम्मच ली, तो इस तरह के साउंड्स करने बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो नॉर्मली भी किचन के आइटम्स कटोरी चम्मच ये सारी चीजें लेके साउंड करते हैं, तो उनको मजा आता है करने में। तो ग्लास को ऐसे टैप करेंगे चम्मच के साथ, ये करेंगे। अब आंशा में करके दिखाएगा, बस थैंक यू। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स के साथ और साउंड वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ पर्टिकुलरली बच्चे को इमिटेशन सिखा सकते हैं। उसको करने में ये बहुत मजा आएगा। जरा देयर इज वन मोर थिंग, मेरे पास एक बेल है, इस बेल को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं, अगर मान लीजिए बच्चे का ध्यान कहीं और है और अचानक से आप ये बेल बजाते हैं, तो आप देखें कैसे अंश का ध्यान अचानक से वहां पहुंचा। और इससे मैं अब विजुअल स्कैनिंग भी करा रहा हूं, आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आएगी तो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में देखेगा।
आई कॉन्टैक्ट में भी आपको हेल्प मिल सकती है, आप अपनी आंखों के पास ले जाएं इसको और फिर उसके बाद बैंडिंग करें, तो काफी चांसेस है कि बच्चा आपके आंखों की तरफ भी देखेगा और अटेंशन ग्रैब करने में आपको आसानी होगी। तो ये कुछ चीजें थी जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या फिर एक्शंस के थ्रू अपने बच्चे को इमिटेशन करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ओवरऑल हमेशा बच्चे के साथ काम करते हुए यूज ओनली वन और टू वर्ड इंस्ट्रक्शंस। जितना शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगा बच्चे के लिए उतना जल्दी आसान होगा समझना। एंड ऑलवेज यूज वन लैंग्वेज, जैसे पानी दे दो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो एक ही लैंग्वेज यूज कीजिए, पानी दे दो, या तो ये बोलना है या गिव वाटर, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज में ही बच्चे को इंस्ट्रक्शन सिखानी है और समझानी है। स्पीच लाने की जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हर स्टेप पर आपने बहुत सारा प्यार अपने बच्चे को देते रहना है। ये वो दवाई है जो हमेशा आपके बच्चे के लिए काम करेगी। थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा प्यार हमेशा अपने साथ रखिए और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जरूर यूज करते रहिए। अपने बच्चे का साथ मत छोड़िए, उसका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। बहुत जल्द इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम ओरोमोटर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो बच्चे की स्पीच को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होगा। डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। See you very soon in our next video. Till then, take care. Bye-bye.